आज का जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, मींस हमारा एग्रीकल्चर किस लेवल को बिलोंग करता था, वरना हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम किस पोजीशन पे था। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था अपने कल के लेक्चर्स में कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट अर्निंग एक्टिविटी थी हमारी प्रीवियस टाइम की। प्रीवियस टाइम मतलब बोले तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो मेन ऑक्यूपेशन था नियरली हर पर्सन का, वो कौन सा था? वो हमारा एग्रीकल्चर था। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि कितने परसेंट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में? परसेंटेज बताओ। हाँ, रटवा दूंगी मैं आपको सारे परसेंटेजेस वगैरह, मुझे ना क्योंकि ये पता है कि टीचर्स की क्या मेंटेलिटी होती है। अगर आप ना आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज बोले तो अगर आप अपने आंसर्स को ना मतलब फिगर्स ऐसे डाल के लिखो, देखो बच्चे ना जनरल जनरल तो सभी लिख देते हैं, आप टेक्निकल चीजें लिखो ना, मैं श्योरिटी ले रही हूँ आपके 95 अक्रॉस मार्क्स आएंगे। जैसे नोट्स जिस तरीके के मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ना, उसी तरीके के अगर आप कंसिडर करो तो ठीक है। तो 72% बस ऐसे रहो, ऐसे रहना हमेशा, आप भी नहीं मेरे साथ ही रहना, जैसा मैं करवाऊंगी वैसे ही रहना। आई एम डैम श्योर 90 अक्रॉस आएंगे आपके। तो मुझे, मैं आपका कह रही थी कि कंडीशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारी इंडियन की इकोनॉमी क्या थी या कैसी थी, हमारी कंडीशन क्या थी? तो बच्चों देखो, मैं ये कह रही थी कि हमारी इंडियन, आप मुझे बताओ कैसी कंडीशन थी, आप बताओ। बच्चा बोलो। वेरी गुड, ये सारी बातें तो ठीक है, मुझे ये बताओ वहां की कंडीशन कैसी थी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट दैट टाइम, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसी कंडीशन थी? बहुत अच्छी, बहुत बेकार, एवरेज, कैसी थी? बहुत बेकार। आज भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम का एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा बहुत 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 बेकार था। बहुत बेकार एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा उस टाइम का। मैं आपको बताती हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एग्जिबिट्स थ्री प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक, दीज कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज स्टैग्नेशन। मैं आपको बताती हूँ, हमारे वैसे तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें जो बेसिक फीचर्स थे वो मैं आपको बताऊंगी, जो थ्री फीचर्स थे, और यही फीचर्स हमारी कंट्री को बैकवर्डनेस, यानी बैकवर्डनेस मतलब पीछे की ओर धकेलते थे और स्टैग्नेशन की तरफ धकेलते थे। तो सबसे पहले जो हमारा, कई कुछ भी हो सकते हैं ये ना, आपको रटने की बेसिकली जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो आप बता सकते हो जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर खराब है। आप मुझे बताओ क्या था, मुझे आप ऐसे कुछ पॉइंट्स बताओ जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बेकार था उस समय में, जनरल बताओ। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, और अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो सपोज करो, तो आप क्या लिखोगे? बिल्कुल बिल्कुल वाले पॉइंट्स मत बताना भाई, पहला ही पॉइंट इतना डिफिकल्ट कॉमर्स की लैंग्वेज का जनरल पूछ रही थी। सेकंड बताओ, जनरल जनरल कुछ भी कह सकते, चलो। हाँ, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी नहीं था। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडिया के ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन थे, उपजाने के लैक, पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ वर्कर्स, लैक ऑफ लेबर्स, और एडुकेशन प्रॉब्लम, ओवर क्राउडिंग, और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं, और हाई डिग्री ऑफ वर्नेबिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ये सारे हमारे जनरल पॉइंट है, लेकिन अब हम टेक्निकल पॉइंट देखते हैं।
पहला देखते हैं ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग थी। मैंने कल आपको जो फीचर्स बताए थे उसका लास्ट पॉइंट भी मैंने आपको यही बताया था। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है? कोई डिस्गाइज्ड वाली बात है, मतलब वर्क मोर एंड पीपल आर लेस। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है वो है ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी मच क्राउडेड। टू मेनी पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सिंस 1901 अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। देखो इन 1981 टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज 48 करोड़। तो देखो मैंने एक बात सुनो, इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज्यादा क्राउडेड सेक्टर थी और बहुत सारे लोग आज उस जमाने में एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कल बताया था कि आज के ही जमाने में एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब आज के जमाने में एग्रीकल्चर एक बहुत मेजर रोल अदा करता है, लेकिन उस जमाने में तो पूछो ही मत। उस जमाने में तो ना ही कोई कंपनीज थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजीज थी, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। वन टू ऑल, हर पीपल, हर लोग जिसे पूछो वो सभी एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करते थे। अब मेरी बात आपको ध्यान से सुनना, 72% जो पीपल थे वो हमारे एम्प्लॉयड थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव मतलब मैंने कल आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईव? बिफोर द डे ऑफ इवेंट, वेरी गुड। तो ईव ऑफ इवेंट से पहले हमारे 72% ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड थे। लेकिन जो जो 1901 में हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, 1947 में, चलो तुम पूरा 47 ही मान लो, जनवरी से लेकर या हमारा 1946 से मान लो, तो तब 72% थे। लेकिन 1901 से लेकर अगर हम बात करें तो 70% ऑफ पॉपुलेशन, थोड़ा सा वेरिएशन है, आप 72 भी लिख सकते हो, एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और 1981 में टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 48 करोड़। पहले तो मैंने आपको परसेंटेज बताई थी, जैसे 72% थे। अब मैं आपको लोग के बता रही हूँ, जैसे अब तो जैसे 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तब जितनी भी होगी, तो उस टाइम में आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 48 करोड़ ऑफ पर्सन्स वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 72% एंड 48 करोड़ पीपल, 72% एंड 48 करोड़ पीपल, याद कर लिया? फिगर लर्न हो गए? कितने परसेंट, कितने करोड़ पीपल रहते थे? करोड़, हाँ जी। आप देखो, जब ये बात सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं है, जिस भी जगह पे आपका काम कम होगा और लोग ज्यादा होंगे, जिस भी जगह पे आपका काम कम होगा और लोग ज्यादा होंगे, तो वहां पे क्या होगा? या तो जैसे अभी की बात देख लो, जैसे क्या होगा, या तो आपको उन लोगों की उतनी सैलरी मिलेगी नहीं जितने के वो डिजर्विंग है, है ना? और जो आपका होगा, ना ही आपको और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल पाएगी। और जैसे अगर, या तो वो रखे गए नहीं जो आपको, जितने लोगों को अगर उन्होंने रख भी लिया, अगर जमींदार के पास 5 लोगों का काम है और अगर किसी ने हाथ पैर जोड़ के 10 लोगों को रख लिया, तो 5 लोगों को अगर 10-10 हजार देता, तो वो 10 लोगों को कितने देगा बताओ? अगर एक जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड, अगर एक लैंडलॉर्ड के पास 5 लोगों को काम है, वो 5 पीपल्स को 10-10,000 ईच पीपल को देता है ना। अगर 5 लोग और आगे, भाई हमारे पास कुछ नहीं, तुम हमें काम दे दो, उसने काम तो 5 ही लोगों का है, उसने 10 लोगों को काम दे दिया, तो जो वो पांच पर, जो वो 10-10 हजार रुपए 5 लोगों को देता, तो वो कितने कितने देगा उन लोगों को, बचे हुए को? आप समझे नहीं? हाँ, मतलब अगर 5 हजार रुपए, वो 10 हजार रुपए देगा 5 लोगों को, और 10 लोग आ जाए तो डिवाइड कर दो ना, जो हमारे 50 हजार डिवाइडेड बाय 5 कर, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो जो एक पर्सन को वो अगर 10 हजार देता है, तो वो उसका काम 2 लोगों में बट के, यानी काम एक बंदे का, 2 बंदे काम करने लगे, तो वो 5-5 हजार रुपए ईच को देगा। देखो, फायदा किसी को भी नहीं हुआ। अगर कोई 10 हजार रुपए देना होता तो बेटर था एक बंदे को मिलता। हाँ, मतलब 10 हजार एक पर्सन को मिलना बेटर है, 5-5 हजार 2 पर्सन को मिलना बेटर है? आप बताओ। एटलीस्ट, वेरी गुड, एटलीस्ट किसी तो, किसी का तो कुछ काम हो सके। 5-5 हजार तुम 2 को दे रहे हो, और इससे अच्छा अगर तुम 10 हजार एक को दे रहे हो, तो फायदा 10,000 वाले में, ताकि वो तो एटलीस्ट अपनी फैमिली को फेच कर सके, वो तो अपने लिवलाइहुड को कंप्लीट कर सके। तो ये हमारे इसमें इंक्लूड होता था। अब
this unrelated pressure of population and lack of alternative employment opportunity outside agriculture, the size of holding is becoming smaller and smaller with the subdivision fragmentation of the land. अब देखो, उस जमाने में क्या था, उस जमाने में काम तो कोई और था नहीं, ऑक्यूपेशन तो कोई और था नहीं, जो लोग काम करते थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर में करते थे, तो इससे क्या हो गया, हर एक पर्सन के पास स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर पीस कम आ रही है। रुको, अब देखो मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर जितने उस टाइम पे कोई और वर्क तो था नहीं, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही सेक्टर का वर्क था, तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर का ही वर्क आपके पास होगा तो क्या हुआ, जो पीस ऑफ लैंड हर के हिस्से में आनी थी, जो पीस ऑफ लैंड हर पर्सन के हिस्से में आनी थी, वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होती गई। स्मॉलर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलर, छोटी से छोटी, मतलब अगर किसी को किसी के हिस्से 50 बीघे आने थे, 5 आने लगी, 2 आने लगी, क्योंकि अब काम तो सबको चाहिए, और काम चाहिए तो काम किस पे करेंगे, खेतों में अपने फील्ड में काम करेंगे, और छोटी से छोटी हर पर्सन के पास लैंड आने लगी, जिससे अल्टीमेटली लॉस होने लगा। जितनी कम जमीन होगी आप कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर लोगे, अगर आपके पास छोटी सी जमीन है आप उसमें छोटा सा ही प्रोडक्शन कर सकते हो, तो कहा जाने लगा कि ओवरक्राउडिंग के ये हार्मफुल इफेक्ट में आने लगा। फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्री इंडिपेंडेंस एरा में था, वो था ओवरक्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और ओवरक्राउडिंग का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे पीपल आर मोर एट वर्क इज लेस, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे टू मेनी पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज there were no occupation other than agriculture sector. तीसरा पॉइंट आप लिखोगे 72% of people were employed and 48 crore of persons were employed in agriculture sector before independence. और next point लिखोगे the great pressure on agriculture sector created the problem, we created the problem of unemployment as all the people used to get very small piece of land for doing the work. ठीक है, ये मैंने अपने नोट्स के अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज में बोला है। 5 पॉइंट बन के तैयार हो गए आपको इस हेडिंग के, मतलब सब हेडिंग के तैयार हो गए, समझ आ गए ओवरक्राउडिंग की, आगे बाद में पूछोगे। चलो फर्स्ट फैक्टर तो हमारा हो गया ओवरक्राउडिंग, सेकंड फैक्टर है होता है हमारा नेचुरल फैक्टर्स। मैं ये नहीं कह रही जो मैंने अपने थोड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपके बुक में जो वो भी कर सकते हो, इन्हें भी कर सकते हो, आपको अगर वो पहले से आता है तो दोनों को कंपाइल यानी जॉइन करके लिख सकते हो, आपका आंसर और भी बड़ा हो जाएगा। ये मैंने थोड़े डिफरेंट देने के इसलिए सोचे क्योंकि जो बुक वाले हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चैप्टर आता है और आपने बुक में ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मैं आपको ना समथिंग डिफरेंट दे रही हूँ उसमें कि आपने जो ऑलरेडी कर रखे हैं वो भी आंसर में लिखना और जो मैं आप करवा रही हूँ वो भी आंसर में लिखना, और दोनों को प्लस करके बड़ा सा आंसर लिखना ताकि आपके 6 में से 7 मार्क्स आ जाए, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, ओके बाबू। तो फिर सेकंड पॉइंट हमारे नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स का क्या मतलब है, आपको ये पता है कि इंडिया इज अ मानसून फेड कंट्री। मानसून फेड कंट्री का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानसून फेड कंट्री, शाबाश। आपने अभी मुझे स्टार्टिंग में बताया था ना कि पुअर इरिगेशन भी एक हमारी वन ऑफ द डिसएडवांटेज या मान लो वन ऑफ द फीचर मान लो कुछ भी मान लो ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था पुअर इरिगेशन। आजकल तो देखो जैसे बारिश नहीं हो रही तो क्या करो, इतने मेथड है इरिगेशन के, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम, कुछ भी और किसी भी तरीके से इरिगेशन कर लो, बट उस जमाने में इरिगेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मानसून पे लोग बेस्ड होते थे। इंडिया इज अ मानसून फेड कंट्री, मतलब जब मानसून आएगा, जब बारिश होगा। आपने क्लास 10th में अपना एक 10th का चैप्टर पढ़ा होगा, अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट ही चैप्टर था लैंचो वाला, पढ़ा था ना, तो उसमें भी यही था कि उसके हेल स्टॉर्म आ गया था, उसका पूरा फील्ड तबाह हो गया था, वो लैंटर रिकॉर्ड को लिखता था कि मुझे 100 पिसोस दे दो, 100 कॉइंस दे दो। तो बात यही है कि हमारी इनसे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो उस टाइम का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो सिर्फ और सिर्फ मानसून फेड था, और मानसून एक तो चाहिए होता है, देखो फार्मर्स को भी ना बारिश एक लिमिट में चाहिए होती है, जब तक बारिश एक तूफान में या हेल स्टॉर्म में या साइक्लोन में कन्वर्ट ना हो जाए ना,
तब तक उसको को मतलब उसके बाद बारिश अच्छी नहीं लगती जितनी। अगर आपके क्रॉप्स को थोड़े अमाउंट पे रेनफॉल चाहिए, सबको सिर्फ उतने अमाउंट में पसंद होती है, अगर उससे ज्यादा आपकी रेनफॉल हो जाए तो वो भी हानिकारक होती है आपके क्रॉप्स के लिए। जैसा कि आपने क्लास 10 के चैप्टर में सुना भी होगा, उनका भी तूफान आ गया था, हेल स्टॉर्म आ गए थे, तो सारा आपका फील्ड खराब हो गया था। तो ये नेचुरल फैक्टर्स हमारे डिपेंडेंट होता है, मतलब नेचुरल फैक्टर्स हमारा वन ऑफ द फीचर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखो, नेचर आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारे बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। कल भी मैंने आपको डोमिनेट का मतलब बताया था, क्या हुआ मतलब हुआ डोमिनेट का? करेक्ट, ज्यादा प्रभाव होना। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, नेचुरल फैक्टर्स आपने निकाल लिया ना, अपने नोट्स में निकाल रखा ना नेचुरल फैक्टर्स। मैं कह रही हूँ अपने नेचुरल फैक्टर्स निकाल रखा है ना अपने नोट्स में, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन है, नेचर स्टिल डोमिनेट्स एग्रीकल्चर सेक्टर इन कंट्री। हमारी नेचर अभी भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अफेक्ट करती है। इट इज सेड टू बी अ गैम्बल ऑफ मानसून। देखो कितनी अच्छी लाइन है, ये गैम्बल ऑफ मानसून के ऊपर बेस्ड है। गैम्बल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैम्बलिंग? गैम्बल वैसे तो बेकार ही वर्ड होता है, सट्टा लगाना, सट्टेबाजी होते हैं ना, सट्टा लगाना, सट्टा या जो भी होते हैं, मतलब कह सकते हैं मैं क्या कहूँ, जैसे जुआ वगैरह खेलना, रॉन्ग वे से पैसा कमाना, उसे कहते हैं गैम्बलिंग वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे इसका सेंस ये है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो गैम्बल ऑफ मानसून के बेस्ड पे था। गैम्बल ऑफ मानसून का मतलब होता है मानसून के ऊपर डिपेंडेंट था। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे गैम्बलिंग में होता है कि आपका लक डिपेंडेंट करता है कि आपका मनी डबल हो जाएगा या नहीं होगा, तो ऐसी गैम्बलिंग के अकॉर्डिंग ये लक डिपेंडेंट करता है कि मॉनसून आए, ठीक आए, क्या पता इतना कम मॉनसून आए कि फील्ड्स में आपके क्रॉप्स को पानी ना मिले, क्या पता इतना ज्यादा मानसून आ जाए कि आपका फील्ड तबाह हो जाए, क्या पता सही मानसून आए। तो ये गैम्बलिंग ऑफ मानसून यानी मानसून के सट्टे पे बेस्ड है, मानसून की सट्टेबाजी पे बेस्ड होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, समझ गए? आर टोटली अनसर्टेन इन इंडिया। हमारी इंडिया में जो बारिश है वो टोटली अनसर्टेन है, टोटली फिक्स्ड। आप अभी का मौसम देख लो, अपने बाहर जाके देखो कितना गंदा मौसम हुआ हुआ है। ये तूफान आ रहा है ना गुजरात वगैरह में, उसके बेसिस पे हो रखा है हमारा। अभी का देखो कितना गंदा मौसम हो रहा है, आप करंटली अभी विंडो से या कहीं से बाहर से देखो तो। कहने का मतलब, हाँ ठीक है, तो बाबू मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी इंडिया की रेन्स टोटली अनसर्टेन होती है। नहीं होना होता तो सालों साल बारिश नहीं होनी होती, और हो जाती है तो रुकती नहीं है। समटाइम्स रेन्स आर, ये मैंने आपको समझा दिया, ये लाइन आप पढ़ लेना, मैंने अभी आपको समझा दिया कि कई बार बारिश इतनी कम होती है कि आपके क्रॉप्स के ऊपर सफिशियंट वाटर नहीं जा सकते, कई बार आपके पास बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि ओवर स्ट्रीम हो जाती है और आपके क्रॉप्स तबाह हो जाते हैं। कभी भी जितनी चाहिए होती है उतनी बारिश उस अमाउंट में नहीं आती। तो ये नेचुरल फैक्टर्स का फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, नेचर स्टिल डोमिनेट्स एग्रीकल्चर इन दिस कंट्री, इट इज द गैम्बल ऑफ मानसून। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, इंडिया में या तो कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत कम बारिश हो जाती है, बट जितनी बारिश चाहिए होती है उतनी कभी नहीं होती, समझ गए? उसके बाद बाबू मैं थर्ड पॉइंट बताती हूँ। उसके बाद हमारा अदर नेचुरल कैलमिटीज होती है, उसके अलावा भी हमारी अदर नेचुरल कैलमिटीज होती है। कैलमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलमिटीज प्राकृतिक आपदाएं होती है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल होती है। जैसे वही हेल स्टॉर्म हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, अटैक बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो द कॉमन अकरेंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में ये नेचुरल फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, इसके साथ ना और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे अटैक बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट्स इन अवर कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ, अटैक ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट, कीड़े पड़ जाते हैं, पेस्ट जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से भी पूरा पूरा क्रॉप, आपका पूरा पूरा फील्ड तबाह हो जाता है। ये सारे हमारे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारे इंडियन फार्मर्स को होकर गुजरना पड़ता है, था उस टाइम पे, जिससे हमारे नेचुरल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स है जिनसे हमारे फार्मर्स को प्री इंडिपेंडेंस एरा में होकर गुजरना पड़ता था।
व्हाट माय पॉइंट? समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट, चलो क्वेश्चन से मैं लास्ट में पूछूंगी। फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट के हेडिंग का नाम बताना। बताओ फर्स्ट हेडिंग का नाम। ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड, वेरी गुड। थर्ड, और जितने आपको पॉइंट्स पता है उन्हें तो आप रखना ही रखना अपने पास, जैसे आप कमर्शलाइजेशन वगैरह कह रहे थे वो तो रखना ही, प्लस इन्हें भी ऐड कर लेना अपनी नॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। आज भी हमारे देश का किसान गरीब है, आज भी हमारे देश के किसान के पास पैसा नहीं है। उस टाइम पे तो हमारे फार्मर्स के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल फाइनेंस नहीं था। आजकल तो फिर भी फाइनेंस के लिए पैसा होने लगा। जैसे आपने ग्रामीण बैंक या रूरल डेवलपमेंटल बैंक के बारे में सुना, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ दैट? तो ग्रामीण बैंक, आजकल तो ऐसी ऐसी स्कीम्स आने लगी किसानों के लिए। जी, ये सारे भी आ गए, कॉपरेटिव बैंक्स आ गए, कॉपरेटिव सोसाइटी आई, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए। आजकल तो ऐसी स्कीम्स आ गई, ऐसे बैंक्स आ गए, ऐसे डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन आ गए जो इन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं, पैसा प्रोवाइड कर देता है। बट हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? उन दिनों की बात की। उन दिनों की कब की? 1947 से पहले की बात की। तो उन दिनों में तो कोई भी, बिल्कुल भी कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे हमारे फार्मर्स को लोन्स मिल सके। इंडियन एग्रीकल्चर हमारी बैकवर्ड इसलिए थी क्योंकि कोई फार्मर्स के पास बिल्कुल भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं होता था, कोई ऐसे लीगल, जैसे आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ मनी तो सुना होगा, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी। नाम फॉर्मल कौन से होगा? बैंक। नहीं सुना आपने ना, मैं बताती हूँ। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं फॉर्मल तरीके से, हमारे फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स हो गए हमारे बैंक्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा। और हमारे नॉन फॉर्मल कौन से हो गए? नॉन फॉर्मल होते हैं किसी हमारे रिश्तेदार से ले लिया, हमारे रिलेटिव से ले लिया, किसी जमींदार से ले लिया, जो लीगल नहीं होते, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कौन सा बेटर होता है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन या नॉन फॉर्मल? क्यों? वाई? फॉर्मल तो बेटर होते हैं लेकिन क्यों? मैं बताती हूँ, फॉर्मल चलो आप कर बकर बकर वो एक डिसाइड करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास, अगर देखो फॉर्मल वाले कह दे कि अगर हम इस लोन का 6% इंटरेस्ट लेंगे एक साल में, वो अपनी बात से मुकरते नहीं। अगर बैंक ने कह दिया हम आपको लोन दे रहे हैं, ग्रामीण बैंक की ले लो, रूरल डेवलपमेंटल बैंक की, हम आपको लोन दे रहे हैं और हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, तो वो 6% से मुकरेगे नहीं। लेकिन अगर आपने अपने किसी रिलेटिव से, मनी लेंडर से, जमींदार से लोन ले लिया, उन्होंने पहले कह दिया चलो हम तुमसे 6% लेंगे, बाद में उनकी जबान कौन सा पक्की जबान होती है, उन्होंने कह दिया हम तो 12% लेंगे, हम तो 50% लेंगे, वो मानते नहीं अपनी बात को। तो इसलिए इनफॉर्मल सोर्सेस बेकार हुआ करते हैं। अब समझ गए कौन सा बेटर है फॉर्मल या इनफॉर्मल में से? इनफॉर्मल सोर्स बहुत बेकार होते हैं क्योंकि इनकी जबान नहीं होती गवर्नमेंट के, और ये जो इनफॉर्मल सोर्सेस होते हैं ये अगर जो अमाउंट अपना कह देते हैं सुनते से चिक रहते हैं, उनसे ज्यादा कम नहीं मांगते, बट ये अपनी बात ही नहीं मानते, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और उस जमाने में, उन दिनों में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो कोई फॉर्मल सोर्स था ही नहीं, सारे ही नॉन फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सब ही लोग नॉन फॉर्मल सोर्स के अकॉर्डिंग ही फाइनेंस को एक्वायर करते थे, नॉन फॉर्मल सोर्स के जरिए ही फाइनेंस को लेते थे, जिससे क्या होता था उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। और अगर उनकी क्रॉप्स तबाह हो गई, अगर उनकी क्रॉप्स तबाह हो गई तो फिर उनके पास देने के लिए पैसा नहीं होता था, वो रिपे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो डेप्ट में चले जाते थे। डेप्ट मतलब कर्जदार हो जाते थे, लोन्स में चले जाते थे। और अल्टीमेटली क्या होता था, आपने सुना होगा उस टाइम पे भी और आज भी कुछ कुछ, लेकिन उस टाइम पे हमारे फार्मर सुसाइड कर लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास या तो फाइनेंस होता नहीं था,
अगर उन्हें फाइनेंस मिल भी जाता था तो इनफॉर्मल सोर्सेज से मिलता था। इनफॉर्मल सोर्सेज वाले जितना आपने लोन्स कहते थे उसको हजार मतलब अमाउंट कहते थे, इंटरेस्ट कहते थे, उसको हजार गुना ज्यादा चार्ज करा करते थे। और जिससे क्या होता था, अगर उनके क्रॉप्स तबाह हो गए, खराब हो गए, वेस्ट हो गए, तो वो उन्हें पे नहीं कर पाते थे। धीरे 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 उनके ऊपर कर्जा चढ़ता रहता था, और जितना ज्यादा उनके ऊपर लोन चढ़ता रहता था, कर्जा चढ़ता रहता था, उसके बाद वो अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते थे। समझ गए? लास्ट टू पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का? इसका मतलब हुआ कि कोई लोग ना एग्रीकल्चर को अपना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना नहीं करते थे उस टाइम पे। लोग क्या सोचते थे, लोग ना सोचते थे कि मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे आजकल के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे, हम अपना पैसा ना एग्रीकल्चर पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो डूब ही जाता है पैसा, हम अपना पैसा लगाएंगे ज्वेलरी पे, ट्रेडिंग पे, मनी लेंडिंग पे, अदर प्रोफेशन पे हम अपना पैसा लगाएंगे, हम अपना पैसा इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि एग्रीकल्चर पे लगाया हुआ पैसा हमेशा डूब भी जाता है। ऐसी किसकी थिंकिंग होती थी ईशा? मेरी? किसकी थिंकिंग होती थी? हाँ, उन दिनों के, उन टाइम के इन्वेस्टर्स की ये थिंकिंग होती थी। लैक ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब उन टाइम के इन्वेस्टर्स की ये थिंकिंग हुआ करती थी कि अगर हमने जो पैसा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगाया वो पैसा बिल्कुल वेस्ट है, और जो पैसा हम अदर इन्वेस्टमेंट्स करें जैसे ज्वेलरी पे, ट्रेड पे, मनी लेंडिंग पे एक्सेट्रा, हम जो पैसा अपना इन पे लगाया वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू पैसा लगाना इन दिस सोर्सेज, क्या नाम है, इन इनके सोर्सेज पे लगाने से ज्यादा। समझ गए? लास्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। ये आपको पता होगा कि आजकल तो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, जल्दी से मुझे दो लाइनों में ग्रीन रिवॉल्यूशन सम अप कर दो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स, वेरी गुड। तो आजकल तो बहुत सारे तरीके आ गए, मॉडर्न तरीके अपने कल्टीवेशन को करने के, बट उन दिनों में कोई ऐसा तरीका नहीं था। इंडियन फार्मर्स को ऑर्थोडॉक्स तरीके से, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन से सारा काम मैनुअल करना पड़ता था। कोई ट्रैक्टर्स, कोई मशीन्स, कोई टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, और जो वो फार्मर्स होते थे वो बाउंड होते थे सिर्फ वुडन प्लो। वुडन प्लो मतलब लकड़ी का प्लो, मतलब प्लो की हिंदी नहीं पता क्या, तो फावड़ा कुछ इस टाइप की होती है। हाँ, औजार, मुझे सिर्फ बहुत ही बेसिक से औजार लेके हाथों से, अपने हाथ से उन्हें अपना सारा काम करना पड़ता था। मशीनों वगैरह का तो कोई सवाल हुआ ही नहीं करता था। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन में क्या आ गया कि जो हमारे कल्टीवेटर्स होते थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने औजारों का इस्तेमाल करना होता था, या वही वुडन औजारों का इस्तेमाल करते हुए मैनुअली अपने काम को करना होता था, और जो अपना मॉडर्न काम करने के लिए उनके पास कोई हुआ ही नहीं करता था। मॉडर्न ना ही मशीनरीज हुआ करती थी, ना ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स हुआ करते थे। सारे काम जो वो कैरी फॉरवर्ड करते थे वो हाथ से मैनुअली खुद ही किया करते थे। समझ गए? इज दैट क्लियर? अब आप एक बार ना जल्दी जल्दी, मैंने जो आपको फाइव पॉइंट्स बताया वो फाइव पॉइंट्स को एक बार रिकॉल करो, और एक बार उनका ना सिर्फ हेडिंग हेडिंग रीड कर लो। फाइव पॉइंट्स की मतलब जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना उनकी हेडिंग हेडिंग रीड कर लो, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, करो उनकी हेडिंग हेडिंग रीड्स करो जल्दी। फर्स्ट पॉइंट क्या था बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या था जो मैंने आपको बताया था? व्हाट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट? वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या था? नेचुरल फैक्टर्स, करेक्ट। थर्ड पॉइंट? वेरी गुड, लैक ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट? लैक ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। नाइस। फिफ्थ पॉइंट? नहीं, फिफ्थ पॉइंट लैक ऑफ फाइनेंस या लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। ठीक है, तो ये हमारे पांच पॉइंट थे। वेरी गुड। अब चलो हम इससे टाइम टू आस्क द क्वेश्चन, हमने क्या सीखा आज? फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते थे वो क्या सोचते थे, एग्रीकल्चर में पैसा ना लगा के किस में पैसा लगाएंगे?
वेरी गुड। ज्वेलरी ट्रेडिंग और मनी लेंडिंग, हम इसमें अपना पैसा लगाएंगे, ठीक है। उस टाइम के फार्मर्स को कहाँ से अपना लोन लेना होता था, कहाँ से अपना अमाउंट लेना होता था? वेरी गुड। उनसे क्या लॉस होता था, उन्हें नॉन फॉर्मल सेक्टर से? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, सिंपल सी बात है। फिर फिलअप्स करना, इंडिया इज अ डैश ऑफ मॉनसून, इंडिया इज अ डैश ऑफ मॉनसून। हाँ जी, गैम्बल, करेक्ट। और कितने परसेंट ऑफ पीपल हमारे इंडिया में रहते हैं, सॉरी, वर्क करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में? और कितने करोड़, इन टर्म्स ऑफ करोड़? वेरी गुड। तो आज का टॉपिक क्लियर है, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर प्री इंडिपेंडेंस एरा में। चलो,